नमस्कार दोस्तों। तो आपने सारे एग्जिट पोल देख लिए, बिहार के एग्जिट पोल का भी आपने देख लिया होगा कि क्या रुझान है। वहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है अगली। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। ये चुनाव हैं मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए, जहाँ उपचुनाव हुआ विधानसभा सीटों के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हुआ। इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, लेकिन इनके लिए भी एग्जिट पोल हुए हैं और कुछ टीवी चैनल्स ने इनके लिए एग्जिट पोल किए हैं। और इनके एग्जिट पोल लगभग वही हैं जो मैंने अपने एक एग्जिट पोल में पिछले में आपको बताया था, जिस दिन इन दोनों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए जहाँ मतदान हुआ था जिस दिन, उसी दिन 3 नवंबर की शाम को ही मैंने अपने एक वीडियो में आपको इनके बारे में सही स्थिति बताई थी। और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं मध्य प्रदेश की 28 सीटों के, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के, वो लगभग वही हैं जो मेरे थे, लगभग उसी से मिलते जुलते। बाकी सही स्थिति तो 10 नवंबर को ही स्पष्ट होगी। अब स्थिति ये है कि जो एग्जिट पोल आए हैं इसमें मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इन 28 सीटों के लिए इंडिया टुडे ने जो एग्जिट पोल किया है उसका कहना है कि बीजेपी को यहाँ 46% वोट मिल रही हैं, कांग्रेस को 43%, बसपा को 5% और अन्य को 6% वोट मिल रहे हैं। और अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो इंडिया टुडे के अनुसार बीजेपी को इन 28 में से 16 से 18 के बीच में सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 10-12 सीटें मिल रही हैं और अन्य को कोई खातावा खुलता नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि कांग्रेस यहाँ पर फिर भी ठीक ठाक सीटें लेने में सफल हो रही है। एक समय तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इनमें 28 सीटों में से 25 सीटें जीत सकती है बीजेपी, लेकिन अब थोड़ा सा दायरा इन सर्वे में सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी है और कांग्रेस की इस फाइट का ही जो है असर है कि यहाँ पर अब ये 10 से 12 सीटें कांग्रेस को आती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कुछ और चैनल्स ने भी सर्वे किए हैं। इसके अलावा एक सर्वे ख़ास तौर से ग्वालियर चंबल बेल्ट का आया है। ग्वालियर चंबल बेल्ट को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी इलाके से आते हैं और उनके साथ जिन 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे उनमें से 15-16 के करीब इसी बेल्ट के थे। और इसी बेल्ट की जो सीटें हैं उनमें लगभग 18 सीटें हैं। उन्हीं सीटों को अलग से अगर जज करने की हम कोशिश करें, वहाँ पर ज्योतिरादित्य की सिंधिया की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्र में मंत्री बनना भी इसी पे निर्भर करता है कि यहाँ पर उनकी सीटें कितनी आती हैं। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीजेपी 7 से 9 सीट जीत सकती है, कांग्रेस को 6 और 8 सीटें मिल रही हैं और एक सीट बसपा को भी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर क्लीन स्वीप नहीं हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में बिल्कुल एक तरफा क्लीन स्वीप बीजेपी नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि टोटल 28 सीटों में से 25 सीटें जीतने की स्थिति में बीजेपी यहाँ नहीं आ पा रही है। ये कुछ सर्वे इस तरह के बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। और इसमें बहुत लिमिटेड टीवी चैनल्स ने इसके बारे में सर्वे किए हैं और जो सर्वे आए हैं उनमें लगभग अनुमान वही है जो हम लगा रहे थे। मैंने जो अपना एग्जिट पोल किया था उत्तर प्रदेश की सीटों का, तो मेरा मानना था कि इन 7 में से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है और 2 सीटें सपा जीत सकती है या 2 में से एक एक सीट सपा बसपा जीत सकती हैं। कुछ सीटों पर बसपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय किया है, इसलिए ये चुनाव दिलचस्प हुआ है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार बीजेपी बाजी मार रही है। भाजपा को इन 7 सीटों पर 37%, समाजवादी पार्टी को 27% और बसपा को 20% वोट मिलने का अनुमान है। और कांग्रेस जो कि केवल 6 सीटों पर लड़ी इसमें, उसे 8% वोट मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सीटों में 5 से 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं
और सपा को 1 या 2 और बसपा को 0 या 1 सीट मिल सकती है। यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ फाइट में नज़र आ रही है, अगर टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स की बात करूँ। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो सीटें हैं ये हैं टुंडला, नौगांव सादात जहाँ से चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान चुनाव लड़ रही हैं, मलहनी सीट, बांगरमऊ सीट जो कुलदीप सेंगर के कारण खाली हुई थी, जिन्हें रेप के आरोप में सजा हुई थी, घाटमपुर सीट जहाँ से कमल रानी वरुण मंत्री थी योगी सरकार में और कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई थी, बुलंदशहर सीट जहाँ पर वीरेंद्र सिंह सिरोही विधायक थे भाजपा के, उनका निधन हो गया था, उनकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और एक देवरिया सीट जहाँ से सारे ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सीटों का उपचुनाव हुआ है और इसके नतीजे भी 10 नवंबर को आएंगे, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे आपके। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में 16 से 18 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल रही हैं, और उत्तर प्रदेश की 7 सीटों का जो उपचुनाव हुआ है उनमें 5 से 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, और सपा को भी मिल सकती है 1 सीट, 1 सीट बसपा को मिल सकती है, और अगर बसपा को नहीं मिली तो सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। देखते हैं 10 नवंबर को क्या होता है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।